जय माँ काली। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्त्री के बाल से संभोग वशीकरण। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी स्त्री को बेहद पसंद करते हैं और करना चाहते हैं उसके साथ संभोग, तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्त्री के साथ संभोग कर सकते हैं। दोस्तों संभोग की विधि वैसे तो बहुत आसान होती है, लेकिन इसे करने से पहले आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए, क्योंकि संभोग विधि को करने के बाद संभोग होता है और उसके बाद कई बार ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्थिति आ जाती है जो आपको खुद को ही झेलनी पड़ती है। तो आप उसे झेलने के लिए कितने तैयार हैं, आप अगर कोई समस्या आ जाए तो आप उसे झेल पाएंगे या नहीं, ये बात सोचते हुए उसके बाद ही आपको ये विधि करनी होगी, क्योंकि ये विधि बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करती है और मात्र कुछ घंटों के अंदर अंदर ही आपकी विधि पूरी हो जाती है। और संभोग विधि जो है, इसे पूरा करने के बाद संभोग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे करना है। दोस्तों तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये विधि करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप एक अंडा ले लीजिए और अंडे पर लिख लीजिए उस व्यक्ति का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, तो उस व्यक्ति का नाम आपको अंडे पर लिखना होगा। सबसे पहले आपको इसमें ऊपर लिखना होगा संभोग, संभोगम करके आपको लिखना होगा, और उसके बाद लिखना होगा उस प्रेमिका का या उस लड़की का नाम जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं। तो संभोगम के ठीक नीचे आपको लिखना है लड़की का नाम, और उसके बाद उसके ठीक नीचे आपको लिखना होगा अपना नाम। ये देखिए, इस तरह से आपको लिखना होगा संभोगम, लड़की का नाम, अपना नाम। और दोस्तों अंडे को आपको पीछे की तरफ उसके बाद घुमाना होगा। आप देख लीजिए ध्यान से कि आपको किस तरह से लिखना है, और पीछे की तरफ मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या लिखना होगा इस पर ही, इस अंडे पर ही, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रचंड वशीकरण है जो कि तुरंत फल देता है। इसीलिए इस अंडे पर ही हम उस मंत्र को भी लिखेंगे। मंत्र है यहाँ पर ओम कामदेवाय रति प्रियाय संभोगः वशम् कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए इस मंत्र को। ये मंत्र है ओम कामदेवाय रति प्रियाय संभोगः कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से ये मंत्र आपको अंडे के ऊपर लिखना होगा। मैं आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी ये मंत्र एक बार लिख के दे दूंगी, जिससे कि आप उस पर से देखकर इस मंत्र को अंडे पर लिख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक फूल की सहायता से, जो हमने लाल सिंदूर यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, मैंने लाल सिंदूर को घोल कर उसमें गंगा जल डाला था और उसके बाद इसे घोल बनाया है। इसका फूल की सहायता से आपको अंडे के ऊपर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, पूरे अंडे पर आपको फूल की सहायता से ये सिंदूर इस तरह से लगा देना है। पूरा आपको इसे अच्छे से ढक देना है, जिस तरफ आपने मंत्र लिखा हुआ है उस तरफ आप इसे अच्छे से ढक दीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस भी स्त्री के साथ आप इस वशीकरण करना चाह रहे हैं, संभोग वशीकरण कर रहे हैं, तो जिस तरफ आपने कुमकुम को लगाया है, सिंदूर को लगाया है, उस तरफ आपको ये बाल इस तरह से चिपका देने हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरह से आपको पूरे बाल अंडे पर चिपका देने हैं, और क्योंकि ये गीला सिंदूर है तो ये बाल आराम से इसके ऊपर चिपक जाएंगे। अब आपको ये इस तरह से अपने
हाथ में लेना है इसको, जिस तरफ आपने सिंदूर नहीं लगाया था उस तरफ से आप इसे पकड़िए और इसे आपको ले जाना है बाहर। जी हाँ, बाहर ले जाना है और इसे किसी भी बहते हुए पानी में, अगर बहता हुआ पानी नहीं मिलता है आपको तो आप एक और काम कर सकते हैं, किसी सुनसान जगह पर जाएं और वहां पर जाकर आपको इसे जमीन में दबा देना है। जमीन में दबाना है दोस्तों, गड्ढा खोदना है अंडे की शेप या साइज का, थोड़ा बड़ा खोद लीजिए गड्ढा और उसके ऊपर अंडे को उस गड्ढे में रखकर आपको ऊपर से ढक देना है। दोस्तों वापस आ जाना है, आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है, मात्र कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही वो महिला आपके घर पर होगी या तो आपको कॉल करके वो अपने घर पर बुलाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप ये संभोग वशीकरण की विधि कर सकते हैं और आप इसे कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर पे कॉल लगाइए, हमसे बात कीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।